पर्सन तो दो गोल पारित पर्सन ए अजीज भाई खुरम नवाज रिजवान साहब इरफान साहब दूल्हा साहब सैयद साहब सारे भाई रजा भीम नवाज भाई नवाज और जुल्फकार भाई सारे सारा पत्रिया निकाया आवाज मां कहला पहली बार लाइव सुना पे वैसे किस तरह पुछना करना उसी असा असा ये इन याद दा सा थोड़ी थोड़ी चस्का इन पे है ते यूके तो हाई वेलकम ग्रुप ख्वाजा अरशद साहब चौधरी गुलजार मेरा अजीज और जनाब नियाजी खान साहब चौधरी जावेद कंडोर को सजाद राजा राजा अजाज और दिगर अहबाब जिदा कोई ना रह गया तो माजर चाने सारे की फरमाइशा बिलखसूस चौधरी मकसूद और तारक कमांडर और शायद हुसैन शायद बरगतू और बलियाम ना तलक रखने वाले बर्मिंघम होने मेरे छोटे भाई जिन्हें ना राजा नीम साहब राजा नवाज जी राजा नीम साहब उन्होंने मुहब्बत सारे ने बहरहाल दो बोले विछोड़े ने रंग ने तो फिर दो दो पहाड़ी तांत ने फिर शेरा दुनिया जा सकता बिस्मिल्लाह
সেন সরবগ্রাম চৌধুরী শকর চৌধুরী আয়েশ রাজম শাহ বেনওয়াজ সাহেব বেঠে রাজা কিয়ুম সাহেব রাজধানী আর রাজা তজম্মল পুরা থানা সা জিন্দা না গ্রুপ হোনা সারে নি ফরমাইশ পাহাড়ি চাঁদ পর চুকে পাহাড়ি বেঠে পাহাড়ি চাঁদ না পরসা তো এই না ইনসাফি হ্যাঁ জি लेकिन इस महफल की रंगीनी की मद्देनजर की कह के मैं एक बोल पढ़ना किसी ख्यार ना तो ना ही सफल मुलुक ना बोल सारे भाई साबर साहब बैठे बिशारत और दीगर अहबाब बैठे अंजर हसन अजीज आशा गिल और भी और उन्हें साथी बैठे आज इनका
जी ठीक है, मैं ये बहुत सारे नाम इकट्ठे हुए थे ना दोस्तों, बड़ी खसूसी चाहत है। सरकार मौला अली पाक सरकार ने शान एक मनकबत में पेश कर सा राजा जैन साहब, राजा जहांजेब साहब, राजा असीब गखड़, राजा नोयन फरूक, नयान फरूक, जिस तरह लिखा मैं उस तरह ही पढ़ना पे, पता नहीं ठीक पढ़ना या गलत पढ़ना। नमयान, नमयान फरूक, वलीद तारक, राजा जैन, राजा जहांजेब, टेरी कासम, हारून कियानी, राजा हसीब, पापी औरंगजेब, राजा महमूद, चौधरी मंजर, अरसलान ताहिर और जाहिर महमूद, जड़े सऊदिया दोस्त कयाम पजीर है, और बिलखसूस जितनी भी आज नी जड़ी इंतजामिया है उन सारिया की नज़र मैं कसीदा आफसा परसों बतौरे आज तो मैं शाने अली बिच आज भी लवाना चाहना है टुट, क्योंकि असा शान तो बयान ना कर सकते लेकिन उस गाने का सारी जिक्र तो हाथ बना, मैं सिर्फ शेर बतौरे थोड़ा पेश कर सा तो फिर कसीदा तुम कि आफस और सुनाई सक सकते टाइम ही इतना आया कि अगर फिर अस जासा थोड़े जे अगले मजमून पर। खुशबू पावे लख करोड़ हो जिसते पौल ना जावे वो कली नहीं है, वो जिसकी महफिल तू करे परे दुनिया बुजुर्ग नहीं है ते वली नहीं है, वो कुर्बानी ना दावा नहीं कर सकता पलट गई, ऐसा खुशी से फूला के दीवार फट गई। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत थोड़ा उसने पेश खिदमत होया। वे सोना लगता अली वाला, सोना लगता नहीं हो
साहब की टीम है इतना कि कोई रंग सनासन है नवे तो नवा मेरी तरफों जितने लोग फेसबुक पर सुन रहे हैं इंग्लैंड यूके मेरा छोटा बेटा मोहम्मद अली मेरा भाई है उस उस्ताद है उसकी फरमाइश है कुछ लोग जड़े इतने मिली नहीं जाने मेरी तरफों उन्होंने फरमाइश चौधरी नजीर साहब फरूका मेरे दोस्तों आखिरी मिसरा आ रहा साहब
आजाना अंदाज आ किस्मत में थी ये बात नसीबी तेरे शहर भी न मैं आ सका तेरे पास रहने का जिक्र तो क्या किस्मत में थी ये बात नसीबी तुझे अलविदा भी न कह सका तेरे पास रहने का जिक्र तो क्या तेरे शहर भी न मैं आ सका परदेसी ने रंग अजीजे जे सारे अजीज खुरम नवाज ने अजीजे तो जिता उन्हें जाहिर महबूब और जारी जारी कठाना तलका जदा उन्हें और जनाब कामरान क्यानी जदा मलक तारक जदा मेरे अजीजे राजा खालिद साहब जदा और राजा रबीस शहजाद एंटी आजाद कश्मीर कतर फिलहाल मकीम इस अजीज ने मोहब्बत है और उसने भी फरमाया शायद तब मैं परदेसियों ने शेर परसा शायद हुसैन शायद डरबी उसना शेर परसा डरबी आला ने फरमाया मारा शागिर्द कलीम चौधरी और बाकी जिले भी अजीज है इन्हें सारे ने फरमाया और मोहब्बत शायद नाल है तो मैं आज इस तरह करसा सिलसिले में एक शेर है फरमैश करने वाले जनाब राजा फारूक सुरखी यूके नाल तल्लक राजा इरफान साहब राजा वली तारक और सुदेश इरफान इन्होंने पसंद है बड़ा खूबसूरत शेर सरकार फरमाने ताने
नहीं और महबूब मेरे बेमिसाल एक जिंदा कहानी कर सा मेरे अजीज चौधरी खालिद साहब, चौधरी आबद साहब, चौधरी फास साहब खनागा दोपहर रोड का तलका उन्होंने खसूसी जी फरमाइश है जुल्फान मेरा अजीज जरा यूए ही होना और उसका बड़ा भाई इरफान के ऐसा ही होना सऊदी अरबिया बाबर मलक यूए ही और मेरा शकील अजीजा इना सारे की मोहब्बत शायद नाल ही है बेमिसाल की जिंदा कहानी कर सा सलमान राकब साहब लिखने आने ओ मेरे सजना ओ सब बारे आई ना नींद उन्हें एक साईं साहब ने शेरी फरमाइश की
इरफान सारे इरफान में आकर ला एक कौन भी बैठे हुए तो गल भी इरफान दिया यार मैं साईं साहब नशे परसा किसे आख्या साईं साहब तुसी महबूब की कातल आखने हो तो महबूब इतना बेरहम नहीं कि कतल कर सी तुसा की उन्हें आख्या आशिक को पुछो दुनियादार को ना पुछो कि महबूब महबूब किस तरह होना महबूब ने हर अदा कातल जिस अदा पर गौर करो वो ही अदा कातल है कद कद बंदा हाँ जी तुसा की एक ही नाल मुहब्बत है तो बाकी नाल की मुहब्बत कर रहे हो एक इस शेर पर मैं एक तुसा की बारीक जी गल सुना लाया कट शेर वाले दस रही है गला मुहब्बत एक नाल है जिसकी तकड़े हो खली कस रहे हो उसकी ताड़ने रहने हो वजह का ही ख्वाजा अरशद भी और आई वैकम ग्रुप सारा इस शेर शामिल न्याजी और राजा सजाद राजा जियाज चौधरी गुलजार हूँ आशिक आना और मेरे महबूब ने जेड़ी जेड़ी अदा जिस बिच पाई जानी वो ही माड़ा महबूब अगर मेरे महबूब बार को गल करना तो भी चंगा लगना कर टूरना तो भी चंगा लगना अगर अखी नाल अखी मिली वो भी चंगा लगना हूँ साईं साहब को पूछा है कुछ है साईं साहब तुसा तुसा थोड़ी जी इसकी ट्रांसलेशन करो आने सजना मेरे बेलियो ऐसे जलाद दे बस पे कैसे जिस जलाद के सारे अंदाम का तल अंदाम क्या रे जिस पंखड़ी भी चुकुल निकलना वो जरा जोड़ होना ना उस जोड़ की अंदाम आ रहे ही कि जोड़ इस ना का तल लब का तल ए चशम के जकल का तल तू करदा कलाम का तल मेरे कतल ते उसकी हद टूट गई जैसे आपका दिल ऐसा ही आपका दिल क्या नाम आ सही साहब आए असलम साहब राजा आतफ असलम साहब राजा आसीफ गखड़ राजा रिजवान खान जड़े साढ़े भाई राजा अब्बास असलम और कोई आर्मी कमांडो जिन्हें पोजिशन हासिल करी की है उन्होंने मुबारकबाद भी देने और इन्होंने तरफों उस दोस्त वास्ते शेर भी फरमाइश करने पे और यही शेर में पेश कर सा जनाब साढ़े छोटे अजीज राजा फैसल सुरक्षी नाल कल बाल मकीम यूके बर्मिंघम और जितने भी उन्होंने साथी है बड़ा पुराना जहा शेर तो बड़े आसादियां जहा लफ्जों में लिखा हुआ शेर सरकार फरमाने ताने आग दे उठ दे शरीर विच जो तेरी याद आ दे तजिदो
राजा इरफान साहब, राजा सुदेश इरफान इरफान और साहबजादा, राजा मुदस्सर, मेरा अजीज शागिर्द राजा खुरम नवाज, इस तरह मेरे मोहसिन चौधरी आसफ साहब यूएई मस्कत हो गए आजकल, आज ही बोल गया जबर नल्ला, और शफीक साहब अबू धाबी देवर नल्ला, इन अजीजा जितने भी परदेसी हो तुसा सारे दिया मोहब्बत साढ़े नाल ही। मैं एक शेर पेश कर सत थोड़ा जा उसने पर मोहब्बत नाल गौर करे है। दीवाना हूं महबूब मैं तेरे नाल मोहब्बत इस वास्ते ना करना कि तू दौलतमंद है, ना तेन इस वास्ते चाहना आ कि तू असील है, मैं तो तुम्हारा एहतराम इस वास्ते करना आ कि तू दुनिया ने ठुकराए हुए दिला विच अच्छी ते डेरा लाया, ये जो जमाने ने ठुकराया दिला इतना अच्छी ते बसेरा किया, इस वास्ते मैं थोड़ी तकीर ताजीम करना पाया। हूं मैं एक बात आया थोड़े ना आ सजना इस कुत्ते दिल विच याद तेरी, मेरा अजीज हारून जिस इब्तदाई बल्ले विच असां नसीब किया अगर ये ना ना किया तो ना इंसाफी है। इस कुत्ते दिल विच याद तेरी ख्याल जासी मेरी सदाए तलखुदाद रैसी, ये आज तू मंजल प्यार दी छोड़ चले आए अगे बदियो तशाए फसाद रैसी, पर क्या ये उनको गिला शिकवा दिलदार सुन से सजा जिंदगी ये तेरी आजाद रैसी, क्यों हूं मेरे पेले मीरा ले बिचला लैसा दुनिया दिल की सदा बर्बाद रैसी, ये खता तारा क्या बेकसूर में कर माफ जे दिल नाशाद रैसी, सुनियाई परदेसी कर पूर चलिया ए पक्ष देवी ये लाता फरियाद रैसी, मैं तकले तो मेरा सवा बदले खाली पुतलल तेरा आलाद रैसी, जनाब चौधरी इरफान साहब किसी मजबूरी की वजह तो साड़ी वजम तशरीफ नहीं ला सके, उन्होंने फरमाइश दे एक शेर और यही शेर में जनाब यूके विच पठवारी अदब ने बड़ी खिदमत करी रहे पठवार अदब यूके टीवी आने उन सारी टीम ने नजर कसा, और यही शेर में राजा हफीज राजा नकीब मंजवाड़ी राजा तनवीर मंजवाड़ी और रिजवान खान रिजवान नवाज इन दोस्तों ने भी नजर कसा, और उसने तो बाद मैं ये आखिरी शेर पढ़सा और मैं अपने छोटे अजीज की थोड़ा जा मौका देसा गुलफा मसरत एक दो शेर असा की भी सुना सबबो सबब इकट्ठे हुए हैं फिर पता नहीं जिंदगी ने मेले कदों कर मुलाकात नसीबा में हो सी, बल्कि इस तरह कर सब दो एक शेर पढ़े ना मैं तो तुम दो सुना सो दस पंद्रह मिनट पहले
मैं रश कर सामा मैं पुराना बंदा है कहा जवान है भारी गड्डी त्रै चार दिन की चली भी लगा चार दिन चल सी मैं पांच या दस मिनट रेस्ट कर सा चार पैसा तुम तो पड़े जी जिस राव बड़ा खूबसूरत शेर और अगे काफी दफा इन्हें शेर सुने वहां पर हमेशा बंदा फरमाइश उसे चीजें नहीं करना जड़ी सुनी मैं पसंद मैं आवाज दी आख्या दो फरमाइशी लगातार शेर पढ़ा तो मैं फिर ब्रेक ज़रा मारसा था ये जना लैला मारी कर बिजना पे तो तुसा जी फरमाइश है इन शेर चाह खरी जी आने है कट बैठे अच्छा चौधरी आसन बर्मिंघम दो शेर की फरमाइश है तो नाल ही मैं हाई वैकम ग्रुप पूरा जरा मैं बशमूल ख्वाजा अरशद चौधरी गुलजार राजा यार राजा सजाद न्याजी खान साहब चौधरी जावेद कंडो इन्हों की फरमाइश है और बिलखसूस चौधरी आसम की फरमाइश है बर्मिंघम तो किस दौर में किसी नाल पढ़िया सा वो उठा ढुकी गया सा लेकिन उन्होंने फरमाइश है सो असूल की है खुदा उन्नाद को मसूल की है जे वक्त शराज दिलदारियों दे हर किसे नंद प्यारियों दे मौका तक के करके दीवार चुके
राजा शहजाद और राजा फयाज साहब, राजा क्यूम राजधानी, राजा खालिद साहब, राजजीत चौधरी, सदीक दसियालवी और चौधरी आफ्ताब तुम्हारा। अरे सजना हे दिलू मैं यार दर्द जेरा उस दी खाली तस्वीरों की करना शरबत जैका जो मिसले को नहीं हो गए उस दी रंगते खुशबू देखे ऐसे भुले नरीन की करना बड़ा प्यारा है बोला आवे खाब बिच जरा नकाब पाके ऐसे पर्दा नशीन की करना अच्छा जी हूँ तुम इंतजार है आदमी राम हो खुशी ने मौके अपनी हाजरी पेश कर सकता। उस तो पहले मैं एक बहुत खसूसी जी फरमाइश है राजा सजाद साहब ने और राजा इजाज साहब ने और राजा पुरम नवाज साहब ने छोटा जहा गीत है मैं ये पेश कर सकता पहले उसने तो बाद फिर असा दो जने जिस तरह कोई रंग तुम सुनना चाहे हो कोशिश कर सा सुनाने की और यही गीत में मेरे बड़े प्यारे भाई शेरखान चौधरी इबरार साहब न्यूज़बरी चौधरी मुनीर साहब और सैयद बादशाह सैयद जजा अली शाह साहब पेश करने की कोशिश कर सा उसने तो बात जिस तरह तुसा दोस्तों ने चाहत हुई बड़ा खूबसूरत गीत है मैं कोशिश करना जितना Thank you.
चादर लई आसे वे दुखा कन पीने हां कतन नशे आसे दुखा कन पीने हां कतन नशे आसे तेरे तू चचरा सानू होर कोई 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 तू जो ना मन्ने सदा तेरे कोई तेरे तू चचरा सानू होर कोई तेरे
यरा को ताड़ी शाड़ी मारना था जरूरत नहीं कश्मीर मैं पहली बारी आया थोड़ी उच्ची मारो थोड़ी जी तुसानी सर्दी भी दूर होवे महमदुल हसन अला रसूल करीम अहमदाबाद फौज मिले नशीतवान राजे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मेरे नहायत वाजिब अलकदर दोस्तों बुजुर्गो दूर दराज तो आए हुए तमाम मेहमानों मेरी तरफों तुसा सारे साथियों की खिदमत अस्सलाम वालेकुम कोशिश कर सा जिस तरह भाई खुरूम और चाहत है एक दो शेर हाफिज साहब नाल मैं पेश कर सा इस तू कबल मोहतरम राय साहब और जनाब हाफिज साहब बड़ी अच्छी और खूबसूरत ये महफिल सुनाई अल्लाह पाक इन्हां की सलामत रखन एक दो शेर इस शेर ने खसूसी चाहत है मेरे भाई राजा एजाज साहब आल मुकीम यूके और जनाब राजा सजाद साहब आल मुकीम यूके और जनाब मेरे भाई खुरम नवाज साहब इन्होंने खुशी जात तो लिखने वाले दीवाने एक सदा की थी राजा खुरम नवाज साहब और जितने भी इन्होंने इंतजामिया ने दोस्त आखिरी एक दो दो शेर तुम सुनाई है तो फिर माड़े ख्याल बेंत भी सुना बेंत राजा और सनासन बड़ा खूबसूरत शेर और बड़ा मेरे जाति पसंदीदा शेर है आवाज दी आख्या बिस्मिल्लाह मेरे भाई जनाब
नाला दिता ना कि गाँव थू मैं भले ना श्री कोयल बिस्मिल्लाह बाबा जी तुसने नजर ही शेर है आवाज दी आख्या मतलब
ਨਾਲ ਜਾ ਆਖਰੀ ਜ਼ਮਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੈਂਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਤੋ ਸਪੜ ਸੋ ਬੈਂਡ ਕਰੋ ਆਖਰੀ ਜ਼ਮਨ ਤੇ ਬੈਂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇ ਕਰਬਲਾ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਿਆ फरमाइश है एक अजीज आकाश यूनस कंडो हाजी क्यूम साहब वीर जोने समाजी सियासी शख्सियत है और हाजी क्यूम और मिर्जा यूनस साहब आस्टन चौधरी मजर दरिया जटा हालिफैक्स और बाकी जो दिगर अहबाब है उन्होंने मोहब्बत ना लिया एक शेर तो बाद सिर्फ वाकई करबला से दो शेर कर सकते बतौर हाजरी क्योंकि साड़ी बेस जरा सड़ा अगर आज नवासा रसूल ना होने तो पता नहीं असा कि मकाम पर खड़ते हो लेकिन इन अजीजा जी फरमाइश की सादा जो चले मेहरबान शेर मैं क्या दसा कि बाल कॉलेज का जमाना सा सियाला पसा पर असा मैं तो चला मेहरबान बैठे हाँ तो पिंडी जी आए इस शेर को लिखा तो पहली बारी फिर मिकी उन्हें दिता तो मैं झंडा चे तो उसकी असली हालत किया बस ऐसे लिखा ना तेरा कला चलना हाथ उसकी असली हालत करी तो फिर मैं पढ़िया सा मशहूर मारूफ शेर आ चले मेहरबान ना सफर के दौरान चले मेहरबान मरहूम लिखा सा तू साकुश बसो शाला खैरों में मैं ते अपनी तू निभाई दुनिया कोई रंजना किसे इंसान होते हुए आखिर जा सिर्फ सदाई दुनिया मेरे बाल ना करे अफसोस कोई पानी सभी थोड़ा दुनिया
ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਦਿਖਿਆ ਸਾ ਬੇਵਫਾ ਨਾਲ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਜਾ ਟਰੈਕ ਆ ਉਸ ਟਰੈਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਵਫਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਨਾ ਤੋ ਜੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਅਜ਼ਮਾਈ ਦੁਨੀਆ कतले हुसैन असल में मर्दे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। दो शेर बतौर हाजरी मैं इस वास्ते पढ़ना होना मैं इल्तमास कर रहा हूं ऐसा नहीं गया कि सारी रात तुम अपने मर्जी का प्रोग्राम सुनने हो जिक्र हुसैन जिथे छिड़े उ क्या पता है ऐसी गल जी तुम दिलों दिमाग पर असर करा तो तुम अथर निकली गए ये जी अथर निकली ऐसा ईमान आ क्या मत आए दिन सारे माला पर पारी उस इस वास्ते जिक्र हुसैन सुनया को खाई रजब ली रात इमाम गए नाने ने रोजे पर तो रात की तारीखी बच गई अद्धी रात उठा गए तो रोना शुरू कर दिता अरे नाना मैं वो हुसैन हाँ जरा सरकार की गोद बने मैं वो हुसैन हाँ जिस सरकार ने मोडिया पर सवाल मैं ही हुसैन हाँ जिसने खातर नमाज लंबी होगी बाबा हजूर मैं वो हुसैन हाँ जिसने गले तो उठा पर प्यार देने सो और मैं ही वो हुसैन हाँ जिसने एक बारिश कहने से हुसैन मेरे बिचू मैं हुसैन बिचू आज तुसने दीन की खातर में ये मदीना छोड़ना जिन्हें गलिया में मैं रोली तो जवान होया जे कलमात अदा किए इमामे आली मकाम ने अपने नाने में रोजे पर जिन्होंने खातर जहान बनिया उन्होंने नवासा उन्होंने दोतरा आज मदीना छोड़ना पे कोई अपना घर सौखा छोड़ना और वह शहर जिसने बिच नवासा रसूल ने सारी जिंदगी बचपन तो लैके जवानी गुजारी सरकार फरमाया आपने फरमाया अरे या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह वल्ला मेरा पैगाम आखरी ऐ बाबा दिन आखरी रात आखरी सुबह आखरी शाम आखरी एक दी देखो इब्राहिम खलीलुल्लाह ने ख्वाब तक अपना फरजंदे जमील कुर्बानी वास्ते इस्माइल पेश किया छुरी की चलाया छुरी गला नहीं कटिया तो इस्माइल की कुर्बानी मंजूर हो गई हुसैन ने तो गला भी कटिया जैसे छे महान असगर भी शहीद हो जमाल कासम तो अकबर भी शहादत नोश कर सक जा मैं शहादत नोश कर सक Thank you.
तो सरकार ने इमामे अली मकाम दो चार कदम उठाए ना गए फिर पीछे मुड़ी तो तक ने नाले ने रोजे की असरत आने सोए आज बाबे ना रोजा आखिरी मरतबा तक शायद इसके बाद नाले ना रोजा तकड़ा नसीब ना हो तो दो हाथ उठाए आवाज दी कि लख लख सौखा नहीं मिलया जिन्ना कलमे नहीं लाज रखी उन्ना सारा कुमे न कुबा शहीद किया वा खातर दीन दी एली हुसैन दिया दो बाप बेटे बेशमार कुर्बानियां याद रह सक गड़िया बाप फजर वेले बेटा जोर वेले जड़िया छड़िया निशानियां याद जिते जिते हजूर दे नूरी उते कुछ पूछा वाकई कर बुलाया तो हजूर दे नूर ना जिक्र किया दिता है उन्हें कहा तू नहीं सुनिया नबी फरमाने अली मेरे विचू मैं अली विचू हुसैन मेरे विचू मैं हुसैन विचू तो हसन मेरे विचू मैं हसन विचू जिन्ना अली और हुसैन की जद पहुंचाई उन्हें नबी ने दिल बेजार किया वा सरकार परिवार किया वा जिते जिते हजूर के नूर युते लगियां जलबा तक कहानियां याद रह सन इब्ने मंजम यजीद के शमरदिया हल्फी बेईमानियां याद रह सन और फिर मेरी शिव रैप बोला कुछ दरिया बंदा उन्हें सदा जोर न लाया पर लाया उन्हें संध्या जोर न लाया बैठे मन रजाई पानी बाज प्यासे जुड़ गई सैलानी लै हो यार हमारे शुक्रिया जिन्हें इस बज़म की बड़ी खूबसूरत तरीके नाल सुनिया अगर कोई दौराने महफल को गलती गुस्ताखी या कुछ दोस्त ने फरमाश रही हुई तो उसने बोल माजरत यार जिंदा तो सोच बाकी मेहरबानी।